दोस्तों आप कहीं पे भी ठहरे हुए हो, आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है और वो रिलेटेड रेलवे लाइन जिस पर वो स्टेशन है वो कौन सी है। वो वेस्टर्न लाइन है, वो सेंट्रल लाइन है, वो हार्बर लाइन है, ट्रांस हार्बर लाइन है, या फिर वसई रोड से दिवा लाइन है। तो आज मैं जा रही हूँ नरीमन पॉइंट, और नरीमन पॉइंट का नियर रेलवे स्टेशन है चटपट, और मैं हूँ इस वक्त मुंबई लोकल ट्रेन की वेस्टर्न लाइन पर। यहाँ से नरीमन पॉइंट के लिए बस जाएगी? अच्छा, यहाँ से नहीं जाएगी, उधर से जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। Hi guys, thanks for tuning into our channel. This is I Speak Travel. My name is Himshika and you are watching a web series on tourism by Mumbai Local Trains. Hello दोस्तों, a very good morning. दोस्तों यदि आप एक outsider हैं और आप एक अच्छे बजट में मुंबई घूमने का प्लान कर रहे हैं और आप पहली बार नरीमन पॉइंट या नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स बाई लोकल ट्रेन जा रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों मेरी प्रीवियस वीडियो मुंबई लोकल ट्रेन ओवरव्यू में आपने देखा होगा कि मुंबई की लोकल ट्रेन्स यहाँ का बेस्ट टाइम एंड मनी सेविंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यदि आपने बाय चांस ये वीडियो मुंबई लोकल ट्रेन्स ओवरव्यू मिस कर दी है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देख लें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि मुंबई लोकल ट्रेन के द्वारा नरीमन पॉइंट कैसे पहुंचा जाए, इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा होगा और इसके फेयर्स क्या होंगे। दोस्तों चढ़नी रोड, मरीन लाइन्स और चर्च गेट तक का किराया सेम ही है। यदि आपने मेरी वीडियो हाउ टू गो मरीन ड्राइव इन जस्ट 35 रुपीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लें। मैं मुंबई लोकल ट्रेन की वेस्टर्न लाइन पर और आज मैं जा रही हूँ नरीमन पॉइंट, और नरीमन पॉइंट का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है चर्च गेट। वैसे आप सीएसटी से भी जा सकते हैं, सीएसटी का सेकेंड नियरेस्ट स्टेशन है। तो देखते हैं कि हम कैसे जाते हैं, बाई वॉक जा सकते हैं या बाई हम पहुंच गए हैं चर्च के। और हम उतरे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। और इस वक्त बज रहे हैं 4:11। तो गाइज अब मैं करने जा रही हूँ एग्जिट, और ये है बहुत ही सिंपल एग्जिट। और आप ये देख रहे होंगे यहाँ से बस भी जा रही है, तो ये खड़ी बस। तो गाइज इस तरह से आपने देखा कि एग्जिट करते ही आपके सामने बस स्टॉप है, और ये जा रही बस जब तक मैं क्रॉस करूँगी ये निकल ना जाए। एक्सक्यूज़ मी, चली गई बस, चली गई, फंस गए, ऐसे निकल जाती है यहाँ पे बस। चलो नरीमन पॉइंट जाएगी? नहीं जाएगी, ठीक है, ये तो नहीं जा रही है नरीमन पॉइंट। भैया नरीमन पॉइंट जाओगे? पॉइंट के लिए वहाँ से शेयरिंग है। कहाँ से? वो साइड से जाओ सर,
वहाँ से जाएंगे नरीमन पॉइंट के लिए। यहाँ से नरीमन पॉइंट नहीं जाते, बस जाएगी यहाँ से नरीमन पॉइंट, उधर से ही जाएगा, उधर से मिलेगा सब कुछ। अच्छा, मतलब मैंने अपोजिट एग्जिट कर दिया है। हाँ ओके, थैंक यू। तो गाइज इस तरह से आपने देखा, यदि आप, मैंने कहाँ से एग्जिट किया था, लेफ्ट, हाँ, यदि आप प्लेटफॉर्म के लेफ्ट से एग्जिट करते हो तो आपको नरीमन पॉइंट के लिए बस या शेयरिंग टैक्सी नहीं मिलेगी। तो गाइज अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं वापस स्टेशन के अंदर आ गई हूँ और अब मेरे सामने एक और एग्जिट है। पूछते हैं नरीमन पॉइंट के लिए शेयरिंग टैक्सी। भैया नरीमन पॉइंट जाओगे? पहले वो वाला जाएगा। कितने पैसे लगते हैं? 11 रुपए लगते हैं टैक्सी से बस। और हाँ ठीक है, और कहते हैं बस जाती है यहाँ से? अभी बस बंद है, अभी आने वाली है, 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद चालू होता है? अच्छा, और कितने बजे बंद हो जाता है? सुबह तो चालू होता होगा, 8 बजे से चालू हो जाता है। 8 बजे से कितने बजे तक चालू रहता है? 12-1 बजे तक रहता है। 12-1 बजे तक रहता है और 4 बजे तक बंद रहता है? 4 बजे से चालू, 4 बजे से चालू हो जाता है। अच्छा, आप प्लेटफॉर्म पर उतर कर और राइट में एग्जिट करोगे तो आपको बर्गर किंग का ये शॉप दिखाई देगा। ये रहा मेरे पीछे, ये रहा बर्गर किंग का शॉप, और इधर मिलेगा आपको ये लॉ कॉलेज। जैसे ही आप राइट में एग्जिट करोगे तो ये टैक्सी स्टैंड है और यहाँ पर सब 1x1 पूरा टैक्सी पहले भरेगा, उसके बाद चलेगा। और यहाँ पर जो चार्जेस मुझे बताया है वो नरीमन पॉइंट तक का 11 रुपये बताया है। और मैं भी वेट कर रही हूँ ये टैक्सी भर जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर आके बस का वेट ही करें, जैसे कि भैया ने अभी बताया कि 12-1 से लेकर और 4 बजे के बीच बसेस की सर्विसेज नहीं हैं, तो आप आराम से शेयरिंग टैक्सी में जा सकते हैं और इसका चार्ज सिर्फ 11 रुपये है। सो लेट्स गो। दोस्तों मेरे राइट साइड में मरीन ड्राइव है, यानी कि आप जैसे चर्च गेट से निकलेंगे तो तुरंत आप हार्डली 2 या 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद मरीन ड्राइव पहुंच जाएंगे। मुझे बस से ज़्यादा बेटर ऑप्शन टैक्सी का लगा, इट्स टू कन्वीनियंट। ओह माय गॉड, ये हम किधर जा रहे हैं? भैया हम नरीमन पॉइंट के लिए नहीं मुड़े, नरीमन पॉइंट छोड़कर आए? नहीं, उधर आगे बिल्कुल जहाँ एंड है वहाँ नहीं उतरते?
अब आप वापस जा रहे हो? अब मेरे को उतार देना भैया जहाँ पे आप ठीक समझो। मेरे को तो नरीमन पॉइंट जाना था, वो लास्ट स्टॉप था। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि वहाँ तक छोड़ते हैं। नहीं मैं बैठे, आपको पता नहीं चला है बाकी लोग बैठे हो? मुझे किसी ने ये थोड़ी बोला कि हम नरीमन पॉइंट के लिए उतर रहे हैं या बैठ रहे हैं। टैक्सी पूछा नहीं शेयर पे, मैंने बस इतना पूछा कि ये नरीमन पॉइंट जाएगी, उन्होंने कहा हाँ तो मैं बैठ गई। अभी चर्च के स्टेशन जाए, ठीक है मैं इधर उतर जाती हूँ, बाई वॉक चली जाऊंगी। सिग्नल लगाए तो उतर लीजिए, आप चाहिए तो हाँ उतरने दो ना इनको, सिग्नल लगाए तो इधर से उतर जाएगा। ठीक संभाल के, थैंक यू। ट्रेजेडी आज की दोस्तों, यदि आपको नरीमन पॉइंट से गिरगांव चौपाटी जाना है तो मैंने प्रीवियस वीडियो हाउ टू गो गिरगांव चौपाटी में ये बताया है कि आपको गिरगांव चौपाटी लोकल ट्रेन से जाना चाहिए या नहीं। यदि आप बाई टैक्सी जाते हैं तो आपको ओला हायर करनी चाहिए या नहीं, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लें। दोस्तों मरीन लाइन स्टेशन, चर्नी रोड स्टेशन और चर्चगेट स्टेशन वेस्टर्न लाइन पर ही हैं। दोस्तों जिस तरह से आप चर्चगेट स्टेशन पहुंचेंगे, सेम उसी तरह से आप मरीन लाइन स्टेशन पहुंचेंगे। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो हाउ टू गो मरीन ड्राइव इन जस्ट 35 रुपीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लें। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, उसे शेयर जरूर कीजिएगा, हिट करें सब्सक्राइब बटन को, इसे हिट करते ही एक बेल आइकन शो होगा, इसे हिट करना ना भूलें, इसे हिट करते ही आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। हम फिर आएंगे एक नई ट्रैवल टिप के साथ। गुड बाय, सी यू सून।